पहली बार एक ही फिल्म में चार महान रचनात्मक संगीतकारों का हुआ संगम। दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर भूपेन हजारिका, मराठी फिल्म संगीत के सम्राट यशवंत देव, हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राज कमल और इंटरनेशनल स्टार उस्ताद जाकिर हुसैन। प्लस फिल्म्स के बैनर पर निर्देशिका सई परांजपे का नया भावनात्मक अंदाज फिल्म साज। मधुर संगीत पर जावेद अख्तर ने लिखे हैं गीत दिल नवाज फिल्म साज। साज बादल चांदी बरसाए जिसका संगीत सुनिए प्लस म्यूजिक कैसेट्स और सीडीज पर। तो बताइए दोस्तों, फिर कैसा लगा आपको साज फिल्म की ऑडियो कैसेट का म्यूजिकल ट्रेलर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो आज हम यही ऑडियो कैसेट का रिव्यू करेंगे। इसके गाने बहुत ही प्यारे थे, सुनने लायक गाने थे और ये दोस्तों अति दुर्लभ ऑडियो कैसेट है जिसको हम रेयर कैसेट कहा करते थे। कैसेट आप देख सकते हैं जिस कंपनी पर आई थी, उस कंपनी का नाम है प्लस म्यूजिक। तो चलिए कैसेट देख लेते हैं, उसके बाद गाने सुनेंगे। तो ये रही प्लस म्यूजिक के बैनर तले आई अति दुर्लभ ऑडियो कैसेट, फिल्म का नाम है साज। देख सकते हैं सवाना आजमी एवं जाकिर हुसैन का फोटो दिख रहा होगा, साथ में उनका तबला भी है। प्लस म्यूजिक का लोगो यहाँ पर लिखा है साज, जी हाँ साज। बाकी आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक किसका था उनके भी देख सकते हैं, और इसके जो गाने थे वो जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे। बाकी यहाँ पर भी जानकारी इसकी लिखी हुई है, जैसा कि आप चाहें तो पॉज कर पढ़ भी सकते हैं। इधर प्लस म्यूजिक का लोगो यहाँ पर लिखा है साज। रही बात इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग आप देख सकते हैं एक 1997 की है और उस ज़माने में इसकी कीमत थी 32 रुपये। और रही बात बैक साइड की, तो बैक साइड में इसके गाने लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 और 5 10 गाने हैं, इसमें शायद कुछ झलक भी हो सकती हैं। चलिए कैसेट देख लेते हैं। तो ये रही साज फिल्म की अति दुर्लभ ऑडियो कैसेट। राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए और पुरानी यादें ताज़ा कर लीजिए। ये साइड ए है, यहाँ पर लिखा है साज, और ये स्टीरियो कैसेट है, ये साइड बी है। बाकी सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, रील की कंडीशन अभी भी शानदार है। चलिए पोस्टर देख लेते हैं। तो ये रहा साज फिल्म की ओरिजिनल मास्टर कैसेट का पोस्टर, चेक कर लीजिए। और बैक साइड में देखें तो बैक साइड में फाइनली इसके गाने लिखे हुए हैं, जो कि कितने गाने हैं आप देख सकते हैं, 8 गाने हैं और 2 झलक हैं। और यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है, इसके डायरेक्टर थे साई परांजपे, प्रोड्यूसर थे प्लस फिल्म, मतलब ये प्लस फिल्म की अपनी खुद की ऑडियो कैसेट है। तो चलिए अब आपको गानों की झलकियाँ सुना देते हैं और पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। तो साइड ए का जो पहला गाना है, गाने के बोल हैं क्या तुमने यह कह दिया, आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति और म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने। साइड ए का दूसरा गाना है, गाने के बोल हैं रात ढलने लगी, आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने और म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने। साइड ए का तीसरा गाना है, गाने के बोल हैं आज हम रोशन, इसमें आवाज दी है देवकी पंडित ने और म्यूजिक दिया है राज कमल ने। साइड ए के यदि हम चौथे गाने की बात करें, तो गाने के बोल हैं बादल चांदी, आवाज दी है देवकी पंडित ज्योत्सना हरदीकर ने और म्यूजिक दिया है भूपेन हजारिका ने। साइड ए में पांचवी एक झलक है, फिल्म का नाम है मिल गई मंजिल मुझे। चलिए साइड बी के गाने और सुना देते हैं। तो साइड बी का पहला गाना है, गाने के बोल हैं सुनने वाले सुन, आवाज दी है सुरेश वाटकर, श्वेता पंडित एवं श्रद्धा पंडित ने और म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने।
साइड बी का दूसरा गाना है, गाने के बोल हैं निंदिया है सपना है, आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने और गाने में म्यूजिक दिया है राजकमल ने। साइड बी का तीसरा गाना है, गाने के बोल हैं बादल घुमट बध, आवाज दी है सुरेश वाडकर ने और म्यूजिक दिया है यशवंत देव ने। साइड बी का चौथा गाना है, गाने के बोल हैं फिर भोर भई, आवाज दी है देवकी पंडित ने और म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने। साइड बी में पांचवी एक झलक है, फिल्म का नाम है सरदारी बेगम। तो दोस्तों अभी आपको मैंने साज फिल्म के 8 गाने की छोटी छोटी झलकियां सुनाई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यदि आप भी शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो गानों की झलकियां आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। कौन सा गाना अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए अब हम आपको कल शाम के 7 बजे मिलेंगे सन 1998 में आई ऐसी ही किसी अगली ऑडियो कैसेट के रिव्यू में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।